हेलो एंड वेलकम टू सुपर शिवानी चैनल एंड दिस इज द क्लास ऑफ कुकिंग फूड। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मिक्स वेजिटेबल्स को कट कर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल मशरूम, कैप्सिकम और बाकी वेजिटेबल्स ली हैं। आप कोई भी वेजिटेबल्स को सॉटे कर सकते हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे और इसके बाद गरम मसाला को ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 teaspoon गरम मसाला और 1 tablespoon रेड चिली पाउडर ऐड किया है। कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ऑलिव ऑयल। आप कोई भी वेजिटेबल्स ऑयल को ऐड कर सकते हैं। 1 tablespoon हम यहाँ पर ऑलिव ऑयल ऐड कर लेंगे। 1/2 tablespoon ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसमें हम पिज़्ज़ा ओरिगैनो को ऐड कर लेंगे। कोई भी सीजनिंग ऐड कर लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहें ऐड कर सकते हैं। पेरी पेरी सीजनिंग भी ऐड कर सकते हैं, रेड चिली पाउडर। सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और ये वेजिटेबल्स को मैंने मिक्स कर लिया। तो चलिए इसे बास्केट में डाल देते हैं। चलिए इस बास्केट को एयर फ्रायर में सेट कर देते हैं। हमारा एयर फ्रायर प्रीहीट हो चुका है। तो चलिए इस बास्केट को इसके अंदर सेट कर देते हैं और ये वेजिटेबल्स के साथ हमारी बास्केट रेडी है। तो चलिए इसे एयर फ्रायर के अंदर हम डाल देते हैं। इसे स्टार्ट कर लेंगे। टेम्परेचर यहाँ पर 180 डिग्री सेंटीग्रेड लगा हुआ है और टाइम यहाँ पर 15 मिनट का लगा हुआ है। तो इसे हम 20 मिनट्स कर देते हैं। तो अब इसे स्टार्ट कर लेते हैं। और बीच में हम अपनी वेजिटेबल्स को एक बार टॉस कर लेते हैं। ये मैंने टॉस कर लिया है। इसकी बास्केट को हम वापस लगा देंगे। और वेजिटेबल्स यहाँ ड्राई ना हो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा वाटर को स्प्रिंकल कर लेंगे। और ये बहुत ही अच्छे से क्रंची हो गई हमारी वेजिटेबल्स यहाँ पर। आप इस एयर फ्रायर की मदद से वेजिटेबल को सॉटे भी कर सकते हैं आसानी से।